राजन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोटरसाइकिल। तो आज हम लोग करने वाले हैं बात इस माइक्रोफोन के बारे में, जो कि है बोया BY MM1+। बेसिकली ये माइक मेरे को पड़ा था 2500 रुपीस को, और ये मैंने क्यों परचेस किया है उसका मेनली रीज़न है ऑडियो डेप्थ। मतलब अभी जो आपको ये विंड नॉइज़ आ रहा होगा ये सब हट जाएगा ये लगाने के बाद। तो अभी हम इसको पहले अनबॉक्स करते हैं, फिर इसको टेस्ट करते हैं कि ऑडियो क्वालिटी कैसी आएगी, क्या आएगी। तो अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमने कल ही 400 सब्सक्राइबर्स बाईपास कर लिया है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत अच्छे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि यार 400 सब्सक्राइबर्स भी बहुत होता है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो गाइस यहाँ पे हमको मिल जाता है ऐसा कुछ पैकिंग बॉक्स में आता है, ये प्लास्टिक का बॉक्स या कार्डबोर्ड जो भी बोल लो, और ये ऐसा कुछ खोलना रहता है इसको। तो ये एक्चुअल में मैं दूसरी बार अनबॉक्स कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं पिछली और एक बार शूट करने आया था तो तब GoPro की बैटरी मर गई यार, तो मैं नीचे गया और फिर से जाके इसको अनबॉक्स कर रहा हूँ। तो ये देखो यहाँ पे आपको मिल जाता है कुछ पेपर वर्क, जो कि हमारे तो कुछ मतलब का नहीं है, तो इसको रखते हैं हम साइड में। और यहाँ पे आपको मिल जाता है एक लेदर केस, तो शायद से इसी के अंदर वायर है। तो हाँ, इस इधर आपको दो वायर मिल जाते हैं, और ये देखो एक यहाँ पे है वीडियो के लिए और एक यहाँ पे है अगर आप अपने कैमरा से कनेक्ट करते हो। ये एक्चुअल में हेडफोन वाला है जो मोबाइल वगैरह से कनेक्ट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर है 3 पिन, और यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 4 पिन और यहाँ पे 3 पिन। तो इसका दोनों का साइज़ देख सकते हैं आप, डिफरेंस देख सकते हैं। तो इसको रखते साइड में अभी, और आते हैं अभी हमारे सीधा माइक्रोफोन पे। ये है एक माउंट जो कि आपके कैमरे, DSLR, GoPro या किसी भी प्रोडक्ट पे लग जाता है। आपको देखो ऐसा कुछ सिस्टम है इसका, ये थोड़ा टाइट है तो आप अपना डेड कैट थोड़ा सा या फिर निकाल ही दीजिए और इसको आप कर दीजिए लॉक। तो ये एक्चुअल में प्रेस सिस्टम पे है, तो ये देखो आप थोड़ा सा दम लगाएंगे और प्रेशर से लॉक हो जाएगा ये, और ये थोड़ा मेरे को फ्लेक्सिबल टाइप का लग रहा है। देखो ये थोड़ा मेरे को फ्लेक्सिबल लग रहा है, तो ये मेरे को तो लग रहा है कि GoPro के फ्रेम में आएगा, तो मेरे को इसके लिए एक एक्सटेंडर मंगाना पड़ेगा। देख ही सकते हैं आप माइक की क्वालिटी तो बढ़िया है, तो चलो अभी सीधा स्ट्रेट स्विच करते हैं। ऐसा कुछ है, और ये आता है अभी सीधा ऊपर, इन आउट और ईयरफोन का दो ऑप्शन है यहाँ पे। वायर डाल के आपको रिकॉर्ड करना है तो आप कर ही सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ मेशी सा है अंदर ये प्रोडक्ट, और क्वालिटी तो मेरे को बढ़िया लग रही है। तो चलो अभी इसको सीधा स्विच करते हैं और आपको दिखा दें कि क्या क्वालिटी आती है। अब मैं सीधा इसको GoPro में स्विच करने वाला हूँ, और अभी आप जो ऑडियो क्वालिटी देख रहे हो वो स्ट्रेट ऑफ द कैमरा GoPro से ही आ रहा है, और मैं कैमरे के पीछे रुका हूँ। तो चलो मैं अभी सामने आ जाता हूँ कैमरे के। तो यहाँ पे आप मेरे को देख ही सकते हो कि मैं कैमरे के आगे आ गया हूँ, और वीडियो क्वालिटी के ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है। तो अभी हम स्विच करते हैं और देखते हैं क्या सीन है। तो गाइस ये आवाज़ आ रही है आपको GoPro के इनबिल्ट ऑडियो माइक्रोफोन से। तो अभी मैं स्विच करने वाला हूँ, मैं थोड़ी देर और बात कर लेता हूँ आपसे, ताकि थोड़े सेकेंड तक आपको अच्छा खासा डिफरेंस समझ आ जाए, और मैं थोड़ा हिलते भी रहूँगा ताकि और थोड़ा अच्छे से आपको पता चल जाए। तो अभी मैं स्विच करने वाला हूँ इन 3, 2, and 1। ऑल राइट, तो हमने अभी स्विच कर लिया है, और अभी आपको पता डेफिनेटली पता चल गया होगा कि यार कैसा क्या डिफरेंस आया है। तो आप देख सकते हैं विंड नॉइज़ कट हो गई है, और थोड़ा सा अच्छा सा मतलब फील आ रहा है यार आवाज़ में अपने। तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं आपको डिफरेंस अच्छा लगा या नहीं, या अपग्रेड अच्छा लगा या नहीं। तो आपका ओपिनियन के लिए तो भाई अपना चैनल चलता है, और यही था M1+ माइक जो भी है, +1, +2 जो भी है भाई, मेरे को ठीक से मेरे को उतना मैं रट के नहीं आता भाई, स्क्रिप्ट लिख के नहीं आता। तो जो भी माइक्रोफोन है बढ़िया है, मेरे को तो अच्छा लगा, और आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो सोच ही सकते हैं, हमारे लिंक से भी ले सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इसका। और अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन से लेंगे तो हमारे चैनल को भी यार कुछ तो कुछ फ़ायदा हो ही जाएगा। तो मिलते हैं आपसे सीधा नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए पृथ्वीराज मोटर्स साइनिंग ऑफ।